शमशान का सन्नाटा है मेरी दुनिया में, कांच की दीवार है मेरे चारों तरफ। सारी दुनिया मुझे नज़र आती है, सारा ज़माना मुझे देख सकता है, मगर फिर भी एक दूसरे के लिए अनजान है। नफ़रत करता हूँ अपने नाम से और अपने काम से। चल, साहब ने बुलाया। मैं माधवन और ये है मेरी कहानी। मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी दोनों मौत की तरह ठंड और कफन की तरह सफेद है। रेलवे कर्मचारी, पुलिस वाले सभी मेरे पास आते हैं। मुझे किसी से काम मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता। नफरत करता हूं मैं अपने काम से। अनजान लाशों को इकट्ठा करना और दफनाना मेरा काम ही कुछ ऐसा है। ये वो लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती। ये जीते और मरते हैं तो बस किताबों में लिखी एक संख्या की तरह। कोई भुखमरी से मर जाता है या कोई किसी बीमारी से जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम इन बेसहारों को मौत के बाद चैन मिले। ये काम बस मेरा है, मेरा कोई भी प्रतियोगी नहीं। मुझे नहीं लगता इसके लिए तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ही बहुत हल्की है, भुखमरी का केस है। इस बच्चे को अकेला छोड़ गई, अब इसका क्या होगा?
ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है। बचपन से ही इन लाशों को देखता आया हूँ। सख्त शरीर को उठाकर ठेले पर रखना और फिर उन्हें गाड़ना, यही मेरा बापू भी करता था। लोगों को मैं मौत का सौदागर लगता हूं। शायद यही वजह है कि सब मुझसे दूर भागते हैं, नफरत करते हैं। सिर्फ 25 रुपए एक लाश के, क्या यही कीमत है एक इंसान की?